तो दोस्तों आज सोनी फाइनली डाकघर पहुंच गई है, देखिए है ना सामने। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, दिलीप सोनी ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह हम लोग नाश्ता पानी कर लिए हैं पूजा उजा करके, और अभी देखिए सोनी नहाई भी अभी है, जस्ट नहा निकली है। इसका पूजा करना बचा हुआ है, अभी पूजा करेगी तब नाश्ता करेगी। बज रहा है टाइम 10:30। अब देखिए हमेशा ये लेट करके नाश्ता करती है, सिखाइए और फिर बोलेगी कि हमको ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, ठीक है हो तो जाता जल्दी है। करो, काहे कि कल भी इसका फास्टिंग था और दिन भर रात भर, अभी आप खाने के लिए अभी तो सुबह में 8-9 बजे तक खा लेना चाहिए, अभी 10:30 बज रहा है। तो दोस्तों इसको काम करते करते लेट हो ही जाता है जितना भी घर इसको से बोलते लेट हैं कि सबसे पहले फास्टिंग रहता है, उसका दूसरा रोज उठो और नहाओ पूजा करो, उसके बाद ही कुछ काम करना खाना खा के। लेकिन मेरा आदत है कि जब तक घर का काम कंप्लीट नहीं होगा, साफ सफाई नहीं करेंगे तो हमको खाने का मन बिल्कुल तो नहीं करता आप है। लोगों को तो पता है जितना लेडीज इसी टाइप से करती है, माता या बहना जो भी है, तो ज्यादा बीमारी गैस का होता है, तो वही सब ये सब पाल के रखती है। अब तो हम तो कह ना सकेंगे, आप अभी हम निकल रहे हैं घर से कुछ काम से, थोड़ा ये जैसे मार्केट अभी बाहर जाएंगे बोल रही है बारिश स्टार्ट हो गया। बारिश भी ऐसा कर रहा है ना कि जैसे निकलेंगे बोले कि बारिश पड़ने लगा, तो हमको कुछ देर और रुकना पड़ेगा यहाँ। और आज हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट काम आज हम लोग को करना है, क्या बच्चा हुआ है भाई इसका अभी तक। नाश्ता करो, कम बोलो, पूजा करेंगे तब ना, अभी पूजा वगैरह करेंगे, ये मार्केट से आएंगे, उसके बाद चलेंगे। हम लोग का जो जरूरी काम है वो आज एकदम फाइनल कर देना है, क्या? हाँ तो चलिए अभी ये मार्केट जाते हैं, हम जा रहे हैं पूजा करने। जाओ पूजा करने जाओ, उसके बाद ही तुम हम फूल तोड़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बिरसा चौक, जो मेरा पहले वाला सुजुकी एक गाड़ी था वो एक भैया को दिए हैं, वो थोड़ा सा लग गया है तो बोल रहे थे थोड़ा बनवा दीजिए, चलिए हमको पता नहीं है, तो अभी हम चलते हैं बिरसा चौक और उनका गाड़ी को थोड़ा दे देते हैं शोरूम में बनवाने के लिए, उसके बाद में आते हैं। तो दोस्तों अभी हम आए हैं बिरसा चौक सुजुकी शोरूम, काहे कि मेरा एक पुराना गाड़ी था वो एक्सीडेंट कर गया था, तो एक्सीडेंट क्या, खड़ा में कोई उसको मार दिया था, तो कुछ पार्ट्स अभी लगाने आए हैं। जब से आए हैं तब से मतलब यहाँ पानी पड़ रहा है। आंचल जी बीते बार जैसा इस बार भी हम लोग को यहाँ रहना पड़ रहा है क्या? काहे कि बीते बार भी आए तो हमको 1-1.5 घंटा रुकना ही पड़ा था क्या है? और इस बार भी हमको रुकना पड़ रहा है, तो जैसे पानी खत्म होगा तब तो हम निकलेंगे। और यहाँ का स्टाफ काफी अच्छा है, हम आते हैं तो टाइम पास ऐसे ही हो जाता है क्या? कुछ बोलना है यहाँ सब। और सबसे बड़ी बात है कि आंचल जी मेरा ब्लॉग देखते हैं लेकिन सिर्फ लाइक करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो इस बार से आप कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट हम देखना चाहते हैं, ठीक है? ओके। और इधर आप रितु जी भी है। तो दोस्तों अभी किशन का पापा घर वापस आ गए हैं और इधर सुबह से ही बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था, इसलिए वो भी फंस गए थे अभी उधर ही शोरूम में, बहुत ज्यादा टाइम लगा दिए। और हमको आज बहुत जरूरी काम के लिए जाना है पोस्ट ऑफिस, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हम जिस काम के लिए कल घर गए थे तो वो काम मेरा हो गया है, तो आज फाइनली हम वो चीज को जमा करने जा रहे हैं। और अभी मेरा कागज है वो है भतीजी के यहाँ, वहाँ अरगोड़ा में छोड़ा हुआ है, तो अभी हम लोग उनका घर जाएंगे, फिर वहां से फॉर्म वगैरह लेके हम लोग जाएंगे जमा करने के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल के बाद अभी बारिश छूटा है, नहीं तो हम सोच रहे थे कि मेरा आज भी काम नहीं होगा, अटक जाएगा। और डेट भी सामने आ गया है, फिर डेट खत्म हो जाएगा तो मेरा इतना मेहनत किया कोई काम नहीं आएगा। तो अभी किशन का पापा भी घर वापस आ गए हैं और अभी हम दोनों चल रहे हैं, तो चलिए आप लोग को अभी मिलते हैं भतीजी के यहाँ। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं प्रिंसी के पास, क्या प्रिंसी उधर बोलो हाय दोस्तों। हाय दोस्तों, कैसे हैं बोलो? कैसे हैं? हम तो बिल्कुल ठीक हैं बोलो। हम ठीक है, बिल्कुल ठीक हैं, हाँ बोलो, हम बिल्कुल ठीक है। हाँ आप लोग बताइए कैसे हैं? आप लोग बताओ कैसे हैं? और अभी जो फॉर्म भरना था वो अभी हम भर के कंप्लीट कर लिए हैं, अभी चल रहे हैं जमा कर रहे, पता नहीं कब जमा होगा, हमको तो ये भी नहीं पता, डेली प्रोसेस में लगे हुए लेकिन काम ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये बड़ी धीरे धीरे मेरा हेल्प कर रहे हैं इसीलिए नहीं हो रहा है ना प्रिंसी। ये बोल रही है चलिए मार्केट जा रहे हैं, चलो फोटोकॉपी कर रहे हैं चल रहे हैं, फिर चलो ससुराल जा रहे हैं, और क्या करें बताओ। अभी हम लेट रहे थे फिर भी उठा लिए, बोले कि चलिए अभी सोने का टाइम नहीं है, बोल दो अभी सोने टाइम
हाय। और आप लोग को बता दे, अभी प्रिंसी का नानू सोए हुए थे तो प्रिंसी गई थी पैर दबाने ना, हाँ। नानू थक गए हैं बोलते तो अभी चलिए हम लोग यहाँ से जाते हैं। अच्छा नानू कहाँ है तुम्हारा? नानू का नाम क्या है? दिलीप। नहीं कैसे बोलते हैं नानू? कैसे ऐसे बोलते हैं किसी को? किसी को भी बोलते हैं ऐसे? हीरो है, हीरो है बोलते हैं। कैसे हैं? तो चलिए दोस्तों हम लोग अब चलते हैं प्रिंसी का छोड़ के ना प्रिंसी। हाँ। अब तो अभी हम लोग चल रहे हैं पोस्ट ऑफिस और रास्ते में इतना ज्यादा बारिश हो रहा था कि हम लोग दोनों जन बच रहे थे और अभी थोड़ा बारिश छूट गया है तो हेलमेट टी शर्ट सब भी लिया है। हाँ और अभी चल रहे हैं हम लोग पोस्ट ऑफिस में जमा करने के लिए जितना भी मेरा कागज, अभी देखते हैं पता नहीं खुला होगा नहीं होगा, तो चलिए आप लोग को पोस्ट ऑफिस पहुँच के मिलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना ज्यादा बारिश हुआ है, इधर पूरा सब तरफ पानी जमा भर गया है, भर गया है। हाँ बहुत ज्यादा, इधर सुबह से ही बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, क्योंकि बारिश रुक नहीं रहा, इसीलिए हम लोग को इतना ज्यादा लग गया पूरा करने के लिए। तभी चलिए तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और अभी देखिए फिर से बारिश होने लगा है, परेशान हो गए हैं हम लोग बारिश बारिश से। तो दोस्तों आज सोनी फाइनली डाकघर पहुँच गई है, देखिए है ना सामने, और इसको हम लोग डाल लेते हैं है कि नहीं क्या? ये इसको हम लोग डाल लेते हैं फिर उसके बाद आप चेक करेंगे। तो दोस्तों आज सोनी का जो फार्म है फाइनली जमा हो चुका है और बरसात होते हुए काफी हमको टाइम लग गया, ना सोने दी ना कुछ भी नहीं। अब देख सकते हैं पूरा भींग गए, पूरा भींगे हुए हैं हम, और इधर देखिए बाल भी भींगा हुआ है और इधर बारिश देख रहे हैं, बारिश हो ही रहा है। तो चलिए अभी हम लोग घर चलते हैं और फिर मिलते हैं आप लोग। तो दोस्तों अभी पानी छूट गया है, हम लोग चल रहे हैं घर के लिए, अब आप लोग को घर में पहुंच के हम लोग मिलते हैं। काफी बारिश में आज हम लोग भींग चुके हैं है ना, पूरा तो बारिश। मेहनत का फल मीठा होता है, चलिए मेहनत किए हैं अब फल देखने को, हम देखते हैं आगे क्या मिलता है। तो दोस्तों हम लोग भींगते हुए घर वापस आ चुके हैं और जो भी काम था मेरा आज पूरा हो गया है, बड़ी मुश्किल में, इतना परेशान हुए है ना आज सुबह से। कुछ दूर जा रहे थे तुरंत बारिश आ जा रहा था, फिर कुछ दूर जा रहे थे बारिश आ जा रहा था, इसलिए हम लोग ज्यादा वीडियो भी इतना ठीक से आज बना भी नहीं पा रहे थे। और सुबह से लेके शाम तक आज हम लोग को एक ही काम में मतलब दिन भर लग गया। हम सोचते हैं हमेशा जिस दिन इनका छुट्टी रहता है उस दिन कुछ मतलब करने के लिए, लेकिन जिस दिन इनका छुट्टी रहता है उसी दिन बारिश आता है ना। अब थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बारिश आ रहा था, तो चलिए कोई बात नहीं, जो काम था मेरा हो गया है। और दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।